জঙ্গলটা नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रघु कनकपुरिया। मैं पुरुलिया का रहने वाला हूँ। पुरुलिया का संस्कृति दिखाने के लिए मैं हिंदी में ब्लॉग बनाता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। पुरुलिया का सभी संस्कृति दिखाने की कोशिश करूँगा। आज दोस्तों हमारे कनकपुर पहाड़ आप लोगों को दिखाऊंगा। शाम को हमारे कनकपुर पहाड़ की तरफ घूमने आए, ऐसा दिखता है। पहाड़ छोटा दिख रहा है लेकिन बहुत ही बड़ा है। और ये कुछ बच्चे लोग आए हैं पहाड़ की तरफ, पहाड़ के ऊपर कुछ बच्चे लोग चढ़ाई किए हैं। छोटा छोटा दिख रहा है। शाम के समय पहाड़ की तरफ घूमना बहुत ही अच्छा लगता है और ठंड लगता है। रोजाना घूमने आते हैं इधर। देखिए ऐसा नज़ारा, चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। ठंड लगता है शाम को। गर्मी का समय बहुत ही गर्म लगता है शाम को, लेकिन पहाड़ के सामने बहुत ही ठंड लगता है और मौसम बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ बच्चे लोग पहाड़ चढ़ाई किए, लेकिन दोस्तों अभी तो मैं पहाड़ नहीं चढ़ाई करूँगा। चलो घर की तरफ घूमते हैं, थोड़ा काम है। सिमल का पेड़, ज़्यादातर जंगल में सिमल का पेड़ है। ऐसा खेत खलिहान है चारों तरफ हमारे गांव का, दक्षिण दिशा में जंगल का नज़ारा देखिए। क्या दिखता है, थोड़ा सा बादल है, लगता है बारिश होगा आज। मार्च अप्रैल मई जून, मतलब ये मई है, मई और जून, अप्रैल मई जून ये शादी का मौसम है। हम लोग गांव देहात में ज़्यादातर अप्रैल मई जून में शादी होता है, गर्मी का सीज़न। तो आज भी एक शादी हमारे गांव में, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है हमारे गांव का। ऐसे चारों तरफ हमारे गांव का तालाब में मछली पकड़ा जा रहा है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कवर बॉल वाला चीज तो की माच लगा है। ये बंद कबो माछ नहीं पड़े हैं कोनो आज एकटा लगी है, एकटा लगी है, दुटा लगी है। ये मछली हम लोग रुई मछली मिरिंग मछली कहते हैं, और ये मिरिंग मछली है, और ये पोठी मछली, हम लोग पोठी कहते हैं छोटा छोटा। हमारा गांव देहात में किस तरह मछली पकड़ा जाता है वो देखिए। हम लोग पुरुलिया जंगल है,